Hello dear students, you are most welcome in SKLJD online education और I am Kuldeep Singh, learn with physics name. Okay, तो today is our chapter is, इससे पहले हमने unit and measurement पढ़ा, काफी बड़ा chapter है और interesting भी है. तो उसी में आज का जो topic है class 11th का unit and measurement error analysis. तो मैंने बोला एरर, तो एरर ह्यूमन बीइंग सभी करते हैं गलती, बट एनालिसिस उसका एक विश्लेषण हमें करना है. तो वो जो हम लोग गलतियां करते हैं उसी टाइप की कुछ एरर्स इन फिजिक्स में भी हैं, तो उसी को हमें यहाँ पढ़ना है. कितने टाइप के एरर हैं, आखिरकार एरर होती क्या है. तो उससे पहले हमें ध्यान देना होगा, मैंने दो वर्ड लिखे हैं पहले से, कि एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन. एक्यूरेसी और प्रिसाइजन है क्या. तो एक्यूरेसी वर्ड आप जानते होंगे, एक्यूरेट, एक्यूरेट मींस बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम बिल्कुल परफेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी या एक्यूरेट. और प्रिसाइजन क्या है कि ये इसकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, इसका मींस होता है कि लिमिट ऑफ एक्यूरेसी. अब इसे देखो, समझने से बेटर, याद करने से बेटर इसे समझ कि ये दोनों वर्ड्स में आखिरकार क्या डिफरेंट है, तब हम एरर एनालिसिस पर आएंगे कि एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज. तो देखो भाई, तो एक्यूरेसी क्या है, सपोज दैट ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, अब इसकी लेंथ मुझे पता है कि 15.5 सेंटीमीटर, कितनी है 15.5 सेंटीमीटर. अब दो बच्चे मैंने बुलाए, आप में से कोई बुलाए कि इसे मेजर करके दो भाई, तो दोनों बच्चे मेजर करेंगे, ठीक है, उनके पास नॉर्मल मीटर स्केल है. कोई एक स्टूडेंट 15.3 बोलता है और कोई दूसरा 15.4 बोलता है, विच वन इज मोर एक्यूरेट. ये रीडिंग ए ने लिया, राम ने ला के दी और ये श्याम, ठीक है भाई. तो किसकी ज्यादा एक्यूरेट है, श्याम की ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि जो फिक्स वैल्यू थी इसकी, एक्यूरेट वैल्यू थी, वो कितना था 15.5 सेंटीमीटर, और इन दोनों स्टूडेंट्स ने ये ला के दिए भैया, क्लियर. तो जो दूसरे वाले बच्चे की जो रीडिंग है वो मोर एक्यूरेट है, क्योंकि वो इसके बहुत पास है, 0.1 सेंटीमीटर का एक डिफरेंस आ रहा है. तो जब मेजरमेंट किया तो इसे हम बोल रहे हैं एक्यूरेट है, एरर यहाँ पर हुई कितनी हुई 0.1 से हुई और उससे 0.2 सेंटीमीटर की एरर हुई, क्लियर. तो ये तो बात हो गई भाई कि एक्यूरेसी. अब प्रिसाइजन पर बात कर लेते हैं. तो यहां मैं आपको कुछ स्केल लिख के दे रहा हूं. एक नॉर्मल मीटर स्केल होता है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तो उसका लीस्ट काउंट मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई. अब लीस्ट काउंट वर्ड आपके लिए नया है, लीस्ट काउंट, लीस्ट मींस सबसे कम, काउंट जिसे वो काउंट कर सकता है, मेजर कर सकता है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास नॉर्मल एक स्केल होते हैं और 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक, उसमें कितने बॉक्सेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लियर है भाई. तो ये 10 बॉक्सेस मिलके कितना बनाते हैं भाई, 1 सेंटीमीटर, क्लियर. अब कोई एक बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, इस किसी एक बॉक्स की वैल्यू ये हो जाएगी 1 upon 10 = 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये इसकी लीस्ट काउंट है. अगर तो ये स्केल कितना एक्यूरेट नाप सकता है, किसी भी चीज को मेजर कर सकता है, कि जो जितनी वैल्यूज एक छोटे से बॉक्स की है उतनी तो मेजर कर सकता है, बेटर से बेटर. अगर कोई वैल्यू, कोई लाइन मुझे इस स्केल से मेजर करनी और उसकी वैल्यू ये आती है, यहां आ गया, यहां आके वो लाइन खत्म हो गई. अगर यहां आता तो हम बोल देते कितना 0.5 हो जाता, लेकिन ये 4 और 5 के मिडिल में है,
है ना ये लाइन, अब ये इसको मेजर नहीं कर सकता, क्यों कि या तो इधर होता तो 0.4 होता, इधर होता तो 0.5 थे मिडिल में, और इसके लिए इसके साथ कोई भी बॉक, कोई भी मेंशन या हम किसी भी टाइप का हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं नाप सकता। तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। क्लियर। तो लीस्ट काउंट का मीन्स होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो सबसे छोटी मेजरमेंट जिसे वो अपने आप से पूरी पूरी परफेक्शन के साथ मेजर कर सकता है उसे कहते हैं उसकी लीस्ट काउंट। जैसे आपके घरों में मैंने घड़ी पहन रखी है अभी, तो इसकी लीस्ट काउंट है, नॉर्मल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी, सबसे कम ये कितना एक्यूरेट नाप सकता है, मेजर कर सकता है, 1 सेकंड, इससे कम तो नहीं कर सकता। तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो गई, 1 सेकंड हो गई। ठीक, तो ऐसे हर एक इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होती है। तो लीस्ट काउंट में सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू की सबसे कम, जिसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूरे तरीके से पूरी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। तो नॉर्मल स्केल की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होती है। अब एक होता है वर्नियर कैलिपर, ये भी एक तरीके का स्केल है जो आप अपने फिजिक्स लैब में देखेंगे। तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। फिर इससे भी एक और स्केल है मीटर, स्क्रू गेज। क्या है स्क्रू गेज, इसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होती है। वर्नियर कैलिपर इस टाइप का आपको लैब में दिखाई दे जाएगा, उसके यहाँ ऐसे 2 जॉज होते हैं, ठीक है, और इसके मिडिल में हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ ये स्केल बने होते हैं। स्क्रू गेज यू शेप होता है और यहाँ इस पर रैचेट होता है और ये स्टैंड निकला, तो इसके मिडिल में हम कोई भी ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और इसकी रीडिंग यहाँ से ले लेते हैं, ये स्केल बना होता है यहाँ सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये स्क्रू गेज होता है और ये वर्नियर कैलिपर। तो अभी हमें वो आप लैब में देख सकते हैं, दिखा देंगे, ये अभी लीस्ट काउंट की बात हो रही है। तो सिंपल स्केल कितना अच्छा नाप सकता है, पॉइंट के 1 डिजिट तक। अगर मैं नॉर्मल स्केल से इस वैल्यू पे लिखता और मैं इसको लिख देता 0.4 से आधा है, 5 से कम है, तो इसको मैं ये लिख देता 0.45, तो क्या ये सही था, नहीं था। क्यों कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 0.1, तो वो पॉइंट के 1 डिजिट तक तो एक्यूरेट मेजर कर सकता है, बट ये सही नहीं, ये क्या होता है, डाउटफुल होता, ये क्या होता, डाउटफुल फिगर है, ठीक है भाई, ये डाउटफुल होता, तो ये सही नहीं, क्योंकि इसके लिए इसमें कोई मार्क नहीं बना है। अच्छा, अब बात चल रही थी एक्यूरेसी, तो हमने देख ली कि एक ही वैल्यू को दो लड़कों ने अलग अलग दिया तो इसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट। अब बात चल रही थी प्रिसाइज क्या है, प्रिसाइजन क्या है, तो प्रिसाइजन के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि अब यही वैल्यू 3 लड़के लें जो मैंने बनाई थी, कि कोई एक ये लाइन जिसकी वैल्यू मुझे पता है 15.5 सेंटीमीटर है, अब तीनों लड़के लिखकर ला रहे हैं, पहला वाला बच्चे बताता है कि 15.4 सेंटीमीटर, दूसरा वाला बता रहा है 15.32 सेंटीमीटर, ये बता रहा है 15.315 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन सी वाली वैल्यू, तीनों वैल्यू में ये जो मैंने 3 वैल्यू बनाई है, इनमें कौन ज्यादा एक्यूरेट है और कौन ज्यादा प्रिसाइज है, तो देखो भाई ये फिक्स वैल्यू कितनी थी 15.5 सेंटीमीटर, किससे मैंने मेंशन किया था, मेजर किया था नॉर्मल स्केल से, पहले वाले बच्चे 15.4 वैल्यू बता, उसके पास नॉर्मल मीटर स्केल,
दूसरे वाले बच्चे ने 15.32 क्योंकि उसके पास वन ईयर के लिए पर वो ये टू डिजिट तक रीडिंग दे सकता है। तीसरा वाला बच्चा 50 उसके पास स्किल गेज है तो उसने रीडिंग दे दी 15.15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बड़ा हमारे पास स्किल गेज है, वैसे तो 15 इससे हम नहीं नाप सकते लेकिन अभी आप केवल बता रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रिसाइजन की जो बात आएगी, बहुत अच्छा एक्यूरेसी तो इसने दिया है भाई, ये हाईली प्रिसाइज वैल्यू है क्योंकि पॉइंट की कितने डिजिट तक मेजर की गई है, 3 डिजिट तक और विद एक्यूरेसी। बट एक्यूरेट वैल्यू की बात आती है तो मोर एक्यूरेट वैल्यू ये है क्योंकि ये 5 के बहुत ज़्यादा क्लोज है और ये इतने क्लोज नहीं। तो प्रिसाइजन एक्यूरेसी का मीन्स है कि जो आपको एक कोई भी, जैसे मैंने ये मार्कर है, अब इसकी जो वैल्यू, जो भी इसकी लेंथ हो और फिर इससे कोई मेंशन करे, तो उन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो तो एरर पर, भाई जो एरर पड़ रहे हैं, तो एरर क्या है एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो डिफरेंस आए मेजरमेंट में वही क्या बनता है, एरर होता है। लेकिन एक्यूरेसी क्या है कि अगर जितना कम से कम डिफरेंस आए एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में वो एक्यूरेसी है। प्रिसाइजन क्या है, तो प्रिसाइजन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज याद रखें कि प्रिसाइजन किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो कितना प्रिसाइज है। जैसे नॉर्मल मीटर स्केल हाईली प्रिसाइज नहीं, वो बहुत कम एक्यूरेसी या बहुत कम प्रिसाइजन दे सकते हैं, प्रिसाइजेबल नहीं है इतना, जबकि वर्नियर कैलिपर पॉइंट के 2 डिजिट तक वैल्यू सही से बता सकता है, तो ये हाईली प्रिसाइज है और उससे भी ज़्यादा मोर प्रिसाइज है स्क्रू गेज। तो अब समझ में आ गया कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसाइजन क्या है। जो मैंने बात कही थी कि लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, इनकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, पॉइंट के 3 डिजिट तक ये सही नाप सकता है स्क्रू गेज। वन ईयर पॉइंट के डेसिमल के 2 डिजिट तक सही रीडिंग दे सकता है, जबकि इसकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी बहुत कम है, ये पॉइंट के केवल और केवल 1 डिजिट तक सही वैल्यू दे सकता है। तो अब समझ में आ गया एक्यूरेसी और प्रिसाइजन कि एक्यूरेसी का मीन्स सीधे सीधे मेजरमेंट से होता है और हम डिफरेंस निकालते हैं उसके एक्चुअल वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जबकि प्रिसाइजन डिपेंड करता है कि वो मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से की गई। जैसे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे पास ये इस बोतल का ये कैप है, बहुत छोटा, बहुत कम मास होगा, अब कुछ मिलीग्राम मास होगा इसमें। अब मैं इसके पास जो नॉर्मल स्केल हमारे पास होते हैं फिजिकल बैलेंस के, उसके पास देख लो, जो डिजिटल वाले पे जाओ, जो शॉपकीपर होता है डेली नीड्स वाला, उसके पास रख दो, तो देखो हो सकता है रीडिंग नहीं भी आए। लेकिन अगर यही लेकर आप सुनार के पास जाएंगे, गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे और उसके फिजिकल बैलेंस पे जब आप रख देंगे तो इसकी रीडिंग भी वो दे देगा। तो बात अगर देखें, इस कैप को मैंने 2 अलग अलग फिजिकल बैलेंस में बैलेंस किया, एक में रीडिंग बहुत कम आई, आई भी नहीं, और दूसरे ने बिल्कुल एक्यूरेट दे दी, तो कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, सुनार वाला ज़्यादा प्रिसाइज है ना, गोल्ड स्मिथ वाला ज़्यादा प्रिसाइज है, तो एक्यूरेट भी कौन है, वही एक्यूरेट होगा। इसलिए एक्यूरेसी डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट पे। तो अगर हम ये कहें कि कोई भी वैल्यू लें और हमने वो मेज़र कर दी तो ये एरर लेस है, तो वो कमी नहीं हो सकता, क्यों कि यही रीडिंग जब मैंने मीटर स्केल से ली तो कितनी आई भाई, 15.5, जब यही वर्नियर कैलिपर से ले रहा हूँ 15.32, तो गलती आ रही है नहीं, और जब इसी को स्क्रू गेज से ले रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रही, तो एरर अब इसमें दिखाई दिया है। अगर इससे और अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता तो फिर और एरर आ जाती। तो अगर हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो हम उसे ये नहीं बोल सकते कि ये एरर लेस है, एरर तो आएगी क्योंकि एरर डिपेंड करती है उस इंस्ट्रूमेंट पर जिससे वो ली गई। तो ये आपके 2 टर्म्स समझता हूँ क्लियर हो गए होंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। एक्यूरेसी डायरेक्ट डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने निकाली है। प्रिसाइजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज अ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। तो प्रिसाइजन डिपेंड करता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का लिया है, कितना ज्यादा
प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है भाई, अब बात हम कर लेते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है आज का कि एरर एनमी से, लीस्ट काउंट मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम वैल्यू होती है, सबसे कम वैल्यू होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जिसको वो बिल्कुल सही सही मेजर कर सकता है विदाउट एनी एरर। ठीक है, अब बात आती है भाई एरर। तो एरर क्या है कि जब भी कभी हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, चाहे बैलेंस से लें या मीटर स्केल से लें कोई भी, तो हम हमेशा कोई ना कोई गलती करते हैं, है ना। एक डिफरेंस रहता है उसकी एक्चुअल वैल्यू में और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग निकाली, उन दोनों में एक डिफरेंस आएगा, उसी डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, एरर। अब एरर टू टाइप्स के होंगे भाई, एरर कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप के। तो नंबर वन सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर क्या है, और दूसरा रैंडम एरर। ठीक है भाई, दूसरा है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर और आपका सिस्टमैटिक एरर में क्या फर्क है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप के होते हैं भाई, तो सिस्टमैटिक एरर में पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कैसा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो गया, आप तोलने गए हैं कोई चीज और फिजिकल बैलेंस ही खराब है, वो रीडिंग कैसे आएगी गलत, तो वो एरर किस पर डिपेंड कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट पर, कि इंस्ट्रूमेंट आपका गलत था। तो ये सिस्टमैटिक एरर के अंदर आते हैं, है ना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, उसके बाद पर्सन आप कह सकते हैं एक्सटर्नल एरर। अब ये एक्सटर्नल एरर क्या है, अब एक्सटर्नल एरर होते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्ट्स पर डिपेंड करती है और मेजरमेंट करते टाइम हमने उन एक्सटर्नल फैक्ट्स को ध्यान में नहीं रखा, तब हमारे प्रैक्टिकल के दौरान रीडिंग लेते टाइम गलती आई। अगर ऐसे कौन से प्रैक्टिकल है भाई, जैसे एक घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ठीक है, जो पेंडुलम क्लॉक होती है तो उसमें लेंथ और ग्रेविटी का फर्क पड़ रहा है। अब मान लीजिए गर्मी के दिनों में हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो गर्मी की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होगा, लेंथ क्या होगी पेंडुलम की, बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो और वही एक्सपेरिमेंट अगर हम सर्दी में करें तो जो मेटल है उसका, आयरन है या जो भी मेटल है, वो रिड्यूस होगा और टाइम पीरियड अब क्या होगा, घट जाएगा। तो एक्सटर्नल जो फैक्ट हैं उन पर डिपेंड कर रहे हैं ना मेजरमेंट, तो हमें उन एक्सटर्नल फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम नहीं रख रहे हैं तो जरूर गर्मी के टाइम की रीडिंग और सर्दी के टाइम की रीडिंग में फर्क आ जाएगा। यही होता है कि बोला जाता है कि जो पेंडुलम क्लॉक होती है वो गर्मी में सुस्त हो जाती है, सुस्त का मीन्स उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, सर्दियों में फास्ट हो जाती है, वो घंटा जल्दी हो। तो ये एक्सटर्नल एरर के बीच में आएंगे। ठीक है भाई, कि एक्सटर्नल जो फैक्ट्स हैं वो भी डालते हैं। फिर एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू द रॉन्ग मेथड या इम्परफेक्शन। अब इम्परफेक्शन क्या है भाई, कि अब हमें जैसे बुखार आ गया, अब बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थर्मामीटर हमारे कहाँ लगा देते हैं, जीभ के नीचे लगा देते हैं ना मुंह में, फिर वो बुखार, अगर हम घर पर ही बुखार ना अपना और शरीर के किसी भी हिस्से में लगा दें, रीडिंग तो देगा बट क्या वो सही हो, नहीं ना। तो यही हो गया कि एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन, हमें पता नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग कैसे दे। ठीक है, फोर्थ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है भाई, पर्सनल एरर का मीन्स होता है कि हमने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो केयरलेस तरीके से किए, बिल्कुल लापरवाही पड़ती है, रीडिंग बिल्कुल सही देखी नहीं और जल्दी से नोटबुक में लिख दी, तब ये इस टाइप की एररों को बोला जाता है भाई क्या, सिस्टमैटिक एरर। क्या बोला जाता है,
सिस्टमेटिक एरर। अब बात आती है कि रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है कि हमने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट लिया है, बहुत प्रिसाइज है, एक्सटर्नल एरर इफेक्ट्स का भी ध्यान रखा है, परफेक्शन के साथ कर रहे हैं और पर्सनल एरर भी नहीं कर रहे, कोई लापरवाही नहीं बरती। तो एक ही मेजरमेंट कई बार करा, जैसे लैब में हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं तो एक बार दो बार कम से कम चार बार निकालते हैं, चारों बार रिजल्ट क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। तो क्या होते हैं कि ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रही हैं, तो जब डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं तो दीज आर कॉल्ड रैंडम एरर। इस एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। इसका क्या कारण है नहीं बता सकते, इसको कैसे दूर करेंगे ये भी नहीं है, बस इसका एक ही तरीका है कि हम जैसे फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, कोई वैल्यू है और उसकी अलग अलग रीडिंग हमने ली, x1, x2, x3, x4, xn काफी रीडिंग ले ली। अब एरर हमें खत्म करना है, हम क्या निकाल लेंगे भाई, मीन निकाल लेंगे। इनका क्या निकाल लेंगे, मीन। सभी बच्चे जानते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है, x1+x2+ सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड, तो एक मीन वैल्यू मिलेगी। वो मीन वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू मान ली जाएगी। तो रैंडम एरर को हम इस तरीके से कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं होगा, तो फिर भी हमें मीन वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, एक्चुअल वैल्यू। तो क्लियर, ये एरर समझ में आ गए कि टू टाइप्स के एरर हैं, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट्स वाले एरर हो सकते हैं, एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन में भी हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकते हैं, और रैंडम एरर की एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बार बार एक्सपेरिमेंट रीडिंग लेने पर वो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तब उन एरर को बोला जाता है रैंडमली एरर्स हैं, और उनको कम करने का तरीका है कि उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया जाए। क्लियर। अब इसके बाद कुछ एरर्स और, आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, केवल और केवल न्यूमेरिकल है, समझाने के लिए बस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है, बस आप ये धीरे धीरे समझ लेना है और एंजॉय करें मेरे साथ। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर। क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई, कि सबसे पहले हमने काफी सारी रीडिंग ली, x1, x2, x3, x4, xn। अब करें क्या कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक एक्चुअल वैल्यू चाहिए। अब एक्चुअल वैल्यू भाई कैसे आएगी, एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, कि इसका क्या निकालना पड़ेगा, मीन। मीन हमें पता है, x1+x2+x3+x4+xn divided by number of terms, ये actual value आ गई। तो absolute value का मतलब होता है भाई, यहाँ definition से better है कि आप इसे समझ लें, तो definition अपने आप बना लें। तो absolute error को हम लिखते हैं कि mean value, उसकी क्या थी, mean value में से इंडिविजुअल वैल्यूज को माइनस कर दिया जाए, तो वो क्या आते जाएंगे भाई, एब्सोल्यूट वैल्यूज उसके आते जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती जाएगी, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के अंदर, डेल्टा एक्स वन पहली रीडिंग, डेल्टा एक्स टू, तो एक्स मीन तो सेम ही रहेगा, माइनस एक्स टू, इस तरीके से आप आगे। तो दिस इज एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो एब्सोल्यूट एरर को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड गिवन इंडिविजुअल वैल्यूज, है ना। तो एक्चुअल रीडिंग और उसके जो रीडिंग था नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रीडिंग थे, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंटल रीडिंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट
एरर। क्लियर है? अब एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन भी निकालें तो उसे बोल देते हैं क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर। क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट मीन एरर। ये भी, ये कैसे निकलेगी एब्सोल्यूट मीन एरर? तो नॉर्मल है ये भी। क्या करना है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे उन सब का क्या निकाल देना है, मीन निकाल देना है, है ना? तो वही बन जाता है क्या, एब्सोल्यूट मीन एरर। ये एब्सोल्यूट मीन एरर हो गया। तो मीन अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मीन एरर। तो न्यूमेरिकल जब करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो सबसे पहले उन सबका मीन निकालो, मीन में से इंडिविजुअल वैल्यूज को डिफरेंस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगे। अगर एब्सोल्यूट मीन एरर करता है तो देन वी यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर? इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है भाई? तो रिलेटिव एरर के लिए हम लोग, तो ये एरर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अब रिलेटिव मींस किसी दूसरे से रिलेटेड, है ना? तो रिलेटिव एरर भाई हम लोग कैसे निकालेंगे? तो रिलेटिव एरर का नॉर्मल फॉर्मूला है कि इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन रीडिंग अपॉन मीन वैल्यू। ठीक है भाई, ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। अगर इसी को परसेंटेज में बोल दिया जाए, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तब क्या होगा भाई, यही फॉर्मूला, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज रिलेटिव एरर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद एक और आता है परमिसिबल परसेंटेज एरर। परमिसिबल परसेंटेज एरर ये क्या है? तो इससे हम लिखते हैं लीस्ट काउंट, जो भी बताई थी, लीस्ट काउंट अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या गिवन वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इनटू 100। तो लीस्ट, इसको ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, तो लीस्ट काउंट को डेल्टा एक्स से अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को एक्स से, और ये 100, ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई, परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज एरर का। तो इतना सा हमारा एरर एनालिसिस है। सबसे पहली बात एक्यूरेसी, कि कितना एक्यूरेट। उसके बाद प्रिसाइज, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक खासियत होती है कि वो कितना प्रिसाइज है, उन दोनों में डिफरेंस पड़ा। उसके बाद एरर क्या है, कि कोई भी रीडिंग विदाउट एरर नहीं हो सकती, वो हमेशा एररफुल होगी। क्यों? कि जब हमने किसी एक इंस्ट्रूमेंट से वो ली है, लेकिन दूसरे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से जब उसी रीडिंग को लेंगे तो पहली वाली वैल्यू गलत आएगी, तो उसके अंदर एरर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कितने टाइप की एरर हैं, तो सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम सही कर सकते हैं, कैसे, क्यों, कि वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, परफेक्शन पे डिपेंड करती है, और हमारे एक पर्सनल जो बिहेवियर है एक्सपेरिमेंट के दौरान उस पर डिपेंड करती है। रैंडम एरर को हम खत्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबसे बेटर है हम उन सबका मीन निकालें और एक एक्चुअल वैल्यू प्राप्त कर लें। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में यूज होगा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में केवल और केवल इतनी ही थ्योरी थी, है ना, आगे थ्योरी नहीं है।
अब सीधे आपको न्यूमेरिकल करनी है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसके आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। आप 11th क्लास में आ चुके हैं, नोट्स बनाएं और जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप मुझसे पूछें, क्लियर है? अगर कोई दिक्कत आती है थ्योरी में तो दोबारा से मैं समझा दूँगा, ठीक? तो आई होप आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा, आज का टॉपिक। तो आगे भी आप मेरे साथ फिजिक्स एंजॉय करते रहें। तो लर्न फिजिक्स विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय।